हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त आदम। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने जा रहा है। अलग इन द सेंस लाइक यू नो, आई फील कि आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसके बारे में जितनी बातें होनी चाहिए उतनी बातें नहीं होती हैं। आई फील कि people like YouTubers or senior artists should be talking about this topic a lot more than they do. तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना जितना भी मुझे पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से यू नो मे बी आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट इट एंड शेयर इट विथ यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो यू नो थंबनेल देख के आपने समझ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक किस बारे में है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में है। यू नो आई फील कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को कभी ना कभी फेस करनी पड़ी है। यू नो बी इट सीनियर आर्टिस्ट्स और जूनियर आर्टिस्ट्स, या यू नो अगर आप आर्टिस्ट भी नहीं है, नॉन आर्टिस्टिक पीपल भी बहुत इस चीज़ से यू नो जूझ रहे हैं या जूझते हैं या यू नो फेस कर चुके हैं। और यू नो दोस्तों, उसका मतलब जिस तरह के समय में हम रह रहे हैं, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हर चीज़ हमारी फिंगर टिप्स पे है, तो चीज़ों पे ध्यान लगाना या कोई चीज़ एक कंटिन्यूस तरीके से करना इस वेरी वेरी टफ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। और जिस तरीके का हम आर्टिस्ट लोग का काम है, तो उसमें दोस्तों आप सबको तो पता ही है, इट्स अ नो ब्रेनर कि हमें बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है टू अचीव अ गुड लेवल, द मास्टर द काइंड ऑफ वर्क वी वांट टू प्रोड्यूस, उस तरह का लेवल अचीव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यू नो हमारे लिए प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा चैलेंज है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कई गुना कम कर देता है, या कभी कभार तो हम यू नो पूरे पूरे दिन ऐसे ही बैठ जाते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए। हम कोशिश करते हैं बट यू नो नहीं हो पाता है। और यू नो फिर मुझे लगता है कि आर्ट ब्लॉक भी प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एक साइड इफेक्ट है। यू नो प्रोक्रेस्टिनेशन यू नो डिलेड, लाइक डिलेड क्या मतलब, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होने लगता है एक्सटेंडेड, तो फिर आई थिंक दैट रिजल्ट्स इन अ आर्ट ब्लॉक। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। हम अंदर से एक आवाज़ तो आती है कि यू नो वी शुड डू समथिंग, लेकिन हो नहीं पाता फिर। सो आई फील कि अगर हम गिव इन करते जाते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को, तो इट काइंड ऑफ हिंडर्स our productivity a lot, and that is not a good thing for to be an artist, you know. दोस्तों, मैं खुद बहुत procrastinate करता हूँ, करता था, लेकिन you know जैसे जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करता जा रहा हूँ, और you know नए नए प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे मतलब फील होने लगा था अभी कोई दो ढाई साल पहले से ही कि आई नीड टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर माय वर्क। अगर मतलब जब मेरा मन करा तब करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आई नीड टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल, क्योंकि टाइमलाइंस होती हैं, डेडलाइंस होती हैं, उनको मीट करना बहुत ज़रूरी है। तो यू नो एक लेवल ऑफ रेगुलरिटी बनाए रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इसके तो मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए कि कैसे इससे डील किया जाए, और कुछ चीज़ें काम नहीं आईं, कुछ चीज़ें मेरे बहुत काम आईं। तो यू नो मैं वही सारी चीज़ें आज शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो वैसे तो आई फील दोस्तों कि जो भी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, जो ऑलरेडी एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और जिनका ऑलरेडी एक रेगुलर शेड्यूल है, उनके लिए मे भी ज़्यादा काम करना हो ये, बट जो भी आप इनकमिंग आर्टिस्ट हैं, एंड आई फील कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग जो भी
मेरे वीडियोस देखते हैं, मोस्ट ऑफ यू आर लाइक यू नो द एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स, तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत काम का रहेगा. सो या आई थिंक वी शुड गेट डाउन टू इट, राइट. तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगा प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए वो है कि आप एक प्रॉपर रूटीन सेट कीजिए. यू नो, एक प्रॉपर रूटीन के बिना हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं कि हमें एक दिन में, एक पार्टिकुलर दिन में हमें क्या करना है. मतलब हमारा ब्रेन ना दोस्तों बहुत सारी चीज़ों से ऑक्यूपाइड होता है, तो हम जितनी ज़्यादा चीज़ें हम यू नो ब्रेन के थ्रू करना चाहें, एज एन ना लिखें, हमने प्रॉपरली एक रूटीन नहीं बनाया, हमें बस याद रखना है, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है. और एक रीजनिंग वाला पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वो अलग अलग एक्सक्यूजेस देने लग जाता है कि आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू नो, तो समझने लगता है. तो इसीलिए एक रूटीन बनाना, प्रॉपर रूटीन इज लाइक सुपर हेल्पफुल. आपको कब कौन सी चीज़ करनी पसंद है, यू नो, वैसे तो दिन के शुरुआत से या दिन के टाइम पे और दिन जितनी जल्दी हो सके करना, चीज़ें स्टार्ट करना ज़्यादा सही रहता है, बट आई कम टू दैट लेटर. और दोस्तों फिर जैसे मैं रूटीन के बारे में बात कर रहा था, उसी का एक और पार्ट होगा टू डू लिस्ट बनाना. मतलब आपको एक दिन में, जैसे अगर आप प्रोफेशनली अभी काम कर रहे हैं या इवन स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आपका एक डेली का टारगेट होना चाहिए कि यू नो आप कितना काम करना चाहते हैं, किस बारे में काम करना चाहते हैं. तो उसके लिए आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं. और फिर उसी का एक एक्सटेंशन ये होगा कि अगर आपको सपोज कल फिगर स्टडीज़ करनी है, तो मे बी आप कल की फिगर स्टडी के लिए आज रेफरेंसेस वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आज ही आप गैदर करें. मतलब मे बी रात के टाइम सोने से पहले यू नो आप रेफरेंसेस वगैरह गैदर करके रख सकते हैं, ताकि अगले सुबह जब आप यू नो स्टडी करने बैठेंगे तो आपको फिर रेफरेंसेस ढूंढने में टाइम आपका वेस्ट ना हो, आपकी जो ड्राइव होगी वो रेफरेंसेस ढूंढने में चली जाएगी. क्योंकि दोस्तों मैंने कहीं पढ़ा है कि हमारी ब्रेन की जो फोकस की पावर होती है ना, फोकसिंग पावर, वो सुबह सबसे ज़्यादा होती है जैसे ही हम उठते हैं. फिर धीरे 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 जैसे जैसे हम अलग अलग चीज़ें करते जाते हैं तो वो घटती जाती है. तो हमारा मोटिव थ्रू आउट द डे ये होना चाहिए कि हम कैसे कम से कम चीज़ों पे जो कि मतलब हमें नहीं चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनमें हम कम फोकस करें, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और मतलब उनमें हम हमारी फोकस की पावर लगाएं, जो कि हमारी एक दिन की लिमिट में होती है. वो मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोकस होता है हमारा डेली का. उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह जल्दी उठें, यू नो मे बी 5:30-6 AM इन द मॉर्निंग. मैं अभी थोड़े टाइम से सुबह जल्दी उठ रहा हूँ एंड आई फील कि मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है. तो या दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन ट्राई आउट. उसके अलावा मे बी आप अगर आपका फोकस बहुत कम है, मतलब आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, आप इधर उधर ध्यान भटकने लगता है आपका, तो फिर आप उसके लिए मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं. मे बी डेली का 10-15 मिनट का मेडिटेशन आप वो कर सकते हैं दिन की शुरुआत पे ही. यू नो जब आप उठते हैं तो हाथ मुँह धोकर आप 10-15 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हैं. दैट विल हेल्प टू यू नो कीप योर फोकस इंटैक्ट. आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे. और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. मैंने जिस स्कूल में सेकेंडरी की पढ़ाई की थी, 9th और 10th में जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, वहाँ हमें सुबह मतलब स्कूल पहुँचते ही और स्कूल से आने से पहले हमें 10-10 मिनट की मेडिटेशन कराई जाती थी. एंड उन दिनों मेरा फोकस इतना शार्प हुआ करता था. तो फिर कॉलेज में आया तो वो धीरे धीरे कम हो गया था, बट आई हैव यू नो स्टार्टेड डूइंग इट अगेन और आई फील कि यू नो दैट रियली हेल्प्स. लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होता है. आप अगर मे बी साल, 1.5 साल या 6 महीने कम से कम करेंगे तब आपको इसके बेनिफिट्स धीरे धीरे नज़र आएंगे. और दोस्तों उसके अलावा आप यू नो आपको अपनी हेल्थ का भी काफ़ी ध्यान रखना है, इसीलिए मैं यू नो सुबह उठने की बात कर रहा था.
अगर आप रात को ज़्यादा देर तक काम करते हैं और आप ठीक से सो नहीं रहे हैं, तो फिर अ टायर्ड बॉडी इज़ नॉट एबल टू लाइक फोकस वेल। अगर आप थके हुए हैं, आपको नींद आती रहती है, तो यू नो फिर आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आपकी जो विल पावर होगी फोकस करने की वो भी कम होती जाएगी जैसे जैसे दिन यू नो जैसे जैसे आपको अगर नींद आती रहती है। तो आई वुड सजेस्ट कि फिर उसमें ये रूटीन की, प्रॉपर रूटीन की बात आ जाती है। आप एक प्रॉपर रूटीन बनाएंगे तो आपका एक स्लीप साइकिल होगा, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे आपको सोना चाहिए, क्योंकि अगर एक लॉन्ग रन में हम एक आर्टिस्टिक करियर बनाना चाहते हैं तो हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वैसे भी हम दिन भर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कम होती है, तो उसमें वैसे भी हमारी बॉडी बहुत डिटेरियोरेट हो जाती है। तो यू नो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों मैं भी मेरा लास्ट पॉइंट होगा ये कि जब भी हम कोई हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं, नई हैबिट, तो हमें पुरानी हैबिट से ब्रेकआउट करना होगा, पुरानी हैबिट को छोड़ना होगा। तो उसके लिए जो भी चीज़ें मैंने बताई, जैसे आप प्रॉपर रूटीन बनाएंगे, आप सुबह उठें जल्दी, और उसके बाद आपने अगर एक अच्छी दिनचर्या देखी, मतलब सेट करी, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, मेडिटेट करते हैं, या आपको योग करना है तो यू नो वो कर सकते हैं, या आप किताबें पढ़ते हैं, तो एक दिन की अच्छी शुरुआत कीजिए और उसको इंस्पिरेशन से भरा हुआ रखिए। तो फिर उससे आपका जो फोकस करने का पावर है, एक आप इंस्पायर्ड फील करेंगे, तो यू नो आपका मन और ज़्यादा लगेगा, और इससे बहुत मतलब प्रोकेस्टिनेशन करने के चांसेस इससे बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। और दोस्तों ये चीज़ें मतलब मैं अपने दोस्तों को बहुत बताता रहता हूँ ऐसी चीज़ें, मेरी बातें जिनसे भी होती हैं प्रोकेस्टिनेशन के बारे में, कभी डिस्कशन होता है तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। और मतलब ये सारी चीज़ें मैं भी कुछ दिनों के लिए लोग फॉलो कर लेते हैं, बट एक लॉन्ग टर्म में एक हैबिट बनाना इनको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि यू नो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स करके, तो उस पर मैंने ये चीज़ पढ़ी थी जो कि मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे बहुत काम में आ रही हैं ये चीज़ें। तो आई वुड सजेस्ट कि मे बी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और वो है दोस्तों कि यू नो एक हैबिट बनाने के लिए आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स फॉर्म होने के लिए आपको कम से कम किसी एक चीज़ को लगातार कम से कम 21 दिनों तक करना होता है। फिर आप एक फिर आपके लिए वो थोड़ा सा यू नो ऑटोमेटिक होने लगता है। लेकिन उस हैबिट को अगर आप अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में बिल्कुल जोड़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम साल भर का टाइम लगता है। तो इसीलिए दोस्तों यू नो आपको अगर आप ये कोशिश करते हैं तो प्लीज़ डोंट गिव अप एंड कीप डूइंग इट। आप 21 दिन के बाद आपके लिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी और यू नो ईजी होने लगेंगी। और यू नो फिर एक अल्टीमेट एक अच्छे लेवल के आर्टिस्ट, और एक अच्छे लेवल के आर्टिस्ट होने का मतलब ये भी है कि आप फिज़िकली फिट हैं और यू नो आप हेल्दी हैं, और तभी आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं। एनीवे आई थिंक मैं कुछ अब ज़्यादा ही बोलने लग रहा हूँ, तो वी आर एट दी एंड ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों आई होप आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा इंसाइटफुल रहा होगा, और बताइएगा मुझे कि इस टाइप के वीडियोस आपको और देखने हो, तो ऐसे कुछ इंसाइट्स जो मैंने अपनी इतने साल काम करते हुए मैंने यू नो अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, और या बताइएगा मुझे। और मैंने अपना बस ऑडियो रखा है इसमें, और यू नो एक पेंट अलो मतलब एक पेंट पेंटिंग का एक वीडियो भी रख दिया। सो आई होप दिस इज़ इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।